आरोपी ने बंदर की हत्या करने के बाद शव को सड़क पर फेंका। बंदर के शव को देख पड़ोसी युवक ने बंदर को दफनाया। आरोपी ने विरोध करने वाले पड़ोसी युवक को भी जमकर पीटा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने शव को खोद कर निकलवाया और बंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा और आरोपी की तलाश में जुट गई। वहीं सुरेश सिंह चौहान नाम के व्यक्ति के ऊपर है बंदर की गोली मारकर हत्या का आरोप। जहां सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। आरोपी ने बीती 16 जनवरी को बंदर की गोली मारकर हत्या की थी। परिचय देते हुए क्या घटना हुई है? सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति का उपाध्यक्ष हूँ सुधीर द्विवेदी। यहाँ पर 16 तारीख को एक बानर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा। उसके बाद इसको यहाँ पे सामने जगह थी एक खाली, पेड़ के नीचे दफना दिया गया था क्षेत्रीय लोगों द्वारा, जैसी हमें जानकारी मिली। उसके बाद इस आवाज़ को हमने उठाया और आज पोस्टमार्टम के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए मैंने बॉडी भिजवा दी है और पोस्टमार्टम के बाद यहीं पर इसको दफनाया जाएगा। इसका जो भी क्रियाकर्म है सनातन के अनुरूप किया जाएगा और एक भव्य मंदिर यहीं पर निर्माण किया जाएगा। और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होकर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हमारा मठ मंदिर इसकी कड़ी निंदा करता है और अपना धरना जारी रखेगा कल सुबह से। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया इस मामले? पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी हम शाम तक गिरफ्तारी करेंगे। कौन सी जगह है ये? यशोदा नगर वाई ब्लॉक है। मेरा नाम अंजनी मिश्रा है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने बाहर कुत्ते को टहला रहा था। ये सुरेंद्र चौहान जी ठेकेदार गली में रहते हैं हमारे, इनके पुत्र कार गाड़ी से खड़े। 22 तारीख के दिन राम मंदिर वाला उद्घाटन चल रहा था, उसी भावना में हमने उनसे सीताराम किया। सीताराम करने के बाद उन्होंने कोई हमको जवाब नहीं दिया तो हमसे बलबला के बोला जाओ यार अपना काम करो, तुम्हारे भी एक छोड़ देंगे हम तुम्हारे। उन्होंने से कहा कि ऐसा है उनके पिताजी से मेरे बारे में पूछ लो, उनके बाप से मेरे बारे में पूछ लो। इतना मैंने कहा उसके बाद इनका लड़का तेजी से उतरा, बाप कह रहा है बाप कह रहा है। तो तब भी हम लड़ने के मूड में है ही नहीं, उस पिस्टल भी मैंने नहीं देखा। लेकिन किसी ने मेरे इन दोनों में से किसी या तो सोनी ने मारा है या इनके अखंड प्रताप ने मारा है, मैं क्या इनके लड़के ने मारा है क्योंकि वही पिस्टल लिए था। ये पिस्टल घुसी है तो रिवाल्वर घुसी है, इस जगह पर मेरे हचक के दिया तभी मैंने समझ पाया हमसे घूसा मारा है लग गया होगा। जब मेरे खून बह के यहाँ पे आया, कुर्ता उपड़ा हुआ है यहाँ बह गया है, तो हमने किसी को हाथ किया गीला किया है, ये देखा तो लाल अंधे सर बंदर को गोली मार के दफनाने का मामला आया, क्या ये पूरा पटना? आज सुबह थाना नौबस्ता में वाई ब्लॉक के रहने वाले एक व्यक्ति अंजनी मिश्रा ने आके बताया कि हमारे मोहल्ले के रहने वाले 3 लोगों द्वारा एक बंदर को मार करके दफन कर दिया गया, जिसके संबंध में आज मैं उनसे पूछताछ करने गया, पूछने गया कि बंदर क्यों मारा, उसकी जिसके रिएक्शन में उन्होंने हमको हमसे मारपीट की। सूचना पाकर के तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची, उसकी जांच की तो पता चला कि एक बंदर को 16-1 को जो एयर गन से मार दिया था जिसको दफन कर दिया गया था उसको कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम में भेज दी गई है। आगे उनके तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी कार्रवाई की जा रही है, अन्य सभी पक्षों की जांच की जा रही है, जो भी पक्ष निकल के आएंगे तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सामान्य है किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी जो सके स्थिति नहीं है। नहीं ऐसा बताया गया, उसकी भी जांच की जा रही है, पीएम रिपोर्ट हो जाए, पीएम हो जाने दीजिए, इससे रिपोर्ट आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की गन से मारा गया।